हेलो चिल्ड्रन हाउ यू ऑल एम श्योर यूंगली चिल्ड्रन लेट्स बिगिन विद चैप्टर व्हिच इज द डेलीकेसिज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फर्स्ट व्हाट डू द इटालियंस कॉल देयर स्ट्रॉन्ग डार्क कॉफी सर्वड इन स्मॉल कप्स बच्चों इटालियंस जो होते हैं वो इस तरह की कॉफी को पीते हैं जो कि काफी स्ट्रांग होती है क्या होती है वो वो है एक्सप्रेसो सेकेंड वट फूड स्टफ हैज नेम्स लाइक जर्मन फ्रेंच होल मील ब्लैकली ब्राउन एंड जिंजर ये है ब्रेड थर्ड वट डू यू कॉल अ सिस्टम वैन अ मील कंसिस्टम ऑफ सेवरल डिशेज इज सेट आउट फॉर द गेस्ट हु सर्व दैम सेल्फ बचो एक ऐसे जगह पर जहाँ पर आपकी जो डिशेज होती हैं वो काफ़ी सारी रखी होती हैं और आप जाकर उसे खुद ही सर्व करते हो अपनी प्लेट पर मतलब आपको वेटर्स नहीं अलाउड होते आपको वहाँ जाके डिश को खुद ही लेना होता है उसे क्या कहते हैं उसे हम बुफे सिस्टम कहते हैं बच्चों को हम क्या कहते है? kale भी कहते हैं? हैं. भी अगर आपने चौमिन खाई है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आपने फ्राइड फ्लोर खाया है बिस्किट नोन एज शॉर्ट ब्रेड इज स्पेशलिटी फ्रॉम विच कंट्री बच्चों बिस्किट जो हम खाते रहते हैं वो कहाँ बनाता मतलब ओरिजिन उसका कहाँ हुआ था किस कंट्री में हुआ था वो हुआ था स्कॉटलैंड में सेवंथ द यूरोपियंस हाईली वैल्यू द स्पाइसेस ऑफ द ईस्ट विच स्पाइस डू दे रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड तो वो ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं वो ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहते हैं एट वट वुड यू ड्रिंक इन द चा नो यू एक ऐसे ड्रिंक जिसका नाम है चा नो यू वो क्या ड्रिंक कहलाती है वो कहलाती है टी नाइन्थ

इलेवेंथ वट आर कॉल्ड एज चाइनीज गूस बेरीज तो ये होती है कीवी फ्रूट कीवी फ्रूट को हम चाइनीज गूस बेरीज भी कहते हैं तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से आपको काफी नॉलेज भी मिली होगी उसका रिविजन और उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे